आज हम थर्ड ईयर के सेकंड पेपर जेनेटिक्स का ही फिर से एक टॉपिक लेते हैं। इससे पहले हमने मेंडल के इंट्रैक्शंस देखे थे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में हमने डोमिनेंट करैक्टर को समझाया था कि कैसे एक डोमिनेंट और रिसेसिव जब आपस में क्रॉस करते हैं तो F1 जनरेशन में डोमिनेंट करैक्टर आता है, और अगर जीनोटाइप देखें तो वो हेटरोजाइगस होता है। और अगर हम ड्राई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तब हमने 9:3:3:1 का रेशो देखा था, और वहाँ हमने देखा था पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा भी दो नए कॉम्बिनेशन आए, क्योंकि हर एक जीन जब दूसरे से इंट्रैक्ट करता है तो वो इंडिपेंडेंट होता है कि वो किसके साथ इंट्रैक्ट कर रहा है, और वैसा ही हमें फिनोटिपिक रिज़ल्ट नज़र आता है। तो इस तरह के इंट्रैक्शंस जिसमें हमें क्लियर डोमिनेंस नज़र आता है और एक क्लियर रिसेसिव होता है कहलाते हैं इंट्रा एलिलिक जीन इंट्रैक्शन, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के क्रॉस होने से होते हैं। लेकिन नेचर में इसके अलावा, ये मेंडल के बाद डिस्कवर किया गया था, तो ये देखा गया कि नेचर में इंटर एलिलिक जीन इंट्रैक्शंस भी होते हैं जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसमें कि जीन्स या तो उसी क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है या फिर दूसरे में है, और जब वो आपस में इंट्रैक्ट करते हैं तो जो फिनोटाइप का रेशो है वो हमको यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। और उसका कारण ये है कि हम फिनोटाइप, हमें जो इंट्रैक्शंस हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोटीन रिएक्शंस हैं, उसके थ्रू आता है, एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। और ये हमें पता है कि कोई भी सबस्ट्रेट, ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही स्टेप में प्रोडक्ट में बदल जाए, जैसे ए और नेक्स्ट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, बहुत सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी एक जीन के इंट्रैक्शन से उसमें बना इंटरमीडिएट ए, फिर एक इंटरमीडिएटरी बी, फिर सी, और लास्ट में सपोज़ हमको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट मिलता है डी, तो इसमें 4-5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और फिर जाकर हमको प्रोडक्ट मिलता है, और हर स्टेप एक जीन से गवर्न होता है, गाइड होता है। और इस दौरान अगर बीच के किसी स्टेप में जीन में कुछ चेंज हो जाए, वो म्यूटेट हो जाए, तो उसका असर फिर आने वाली जनरेशन्स के फिनोटाइप पे दिखाई देता है, और इन्हें फिर हम कहते हैं जीन इंट्रैक्शन, कि जीन का इंट्रैक्शन है। जब हम फिनोटाइप का रेशो जोड़ते हैं, जैसे 9:3:3:1, तो ये टोटल होता है 16। तो यहाँ पर भी रेशो तो 16 होता है, लेकिन फिनोटाइप जो दिखाई देता है उसमें हमें डिफरेंस नज़र आता है। तो इसका हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, बाकी फिर हम आराम से कर सकते हैं कोई भी इंट्रैक्शन यहाँ पर हो। और ये जो हम आज इंट्रैक्शन यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, जीन इंट्रैक्शन जो नॉन एलिलिक है, ये है डोमिनेंट एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का मतलब ये है कि एक जो जीन है वो बाकी के जो जीन्स हैं उनके एक्सप्रेशंस को जब वो डोमिनेंट कंडीशन में है तो हाइड कर देता है। इसका क्या मतलब है, ये हम इस डायग्राम से यहाँ पर देख सकते हैं जो बना हुआ है। यहाँ पर हमने देखा कि पेरेंटल क्रॉस हैं जिसमें कि एक वाइट मेल है, और दोनों के ही, क्योंकि दोनों ही वाइट हैं तो हेटरोजाइगस कंडीशन यहाँ पर गैमेट्स की है, कैपिटल आई स्मॉल आई, कैपिटल बी स्मॉल बी, सेम हियर। तो इनसे F1 कंडीशन तो वाइट ही मिलेगी, और हम फिर जब इसमें क्रॉसिंग कराएंगे तो हमारे ये गैमीट यहाँ पर बनकर आएंगे। अगर ये मेंडल वाला क्रॉस होता तो हमें 9 तो वाइट मिलते, 3 डिफरेंट मिलते, और एक हमको यहाँ पर रिसेसिव जो है वो ब्राउन है। लेकिन रेशो आ रहा है यहाँ 12:3:1, इसका मतलब है 9+3 जो रेशो था मेंडल का वो आपस में एक ही फिनोटाइप दे रहा है, और लास्ट के 3-1 हमें मिल रहे हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण ये है कि हम यहाँ देखें, अगर दोनों आई डोमिनेंट हैं, बी डोमिनेंट है तो वाइट मिल रहा है,
तो आई और बी अगर दोनों डोमिनेंट है तो हमें वाइट ही मिलता है। एक्सट्रीम कंडीशन हमको यहाँ देखने को मिलती है कि आई तो यहाँ पर हिट्रोजाइगस है और बी यहाँ पर होमोजाइगस है, फिर भी हमें वाइट ही मिलता है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो ये कैपिटल आई है ये इस बी का जो फिनोटाइप है उसको ढक लेता है। एपिस्टेटिस का मतलब होता है ढक लेना, तो ये डोमिनेंट करेक्टर को ढक लेता है अगर ये सिंगल भी इसमें आई के अंदर डोमिनेंट शो कर रहा है, क्योंकि ये हेटरोजाइगस है, इसमें एक डोमिनेंट है एलील और एक रिसेसिव है, और यहाँ पर दोनों डोमिनेंट है फिर भी ये वाइट ही कलर यहाँ पर दिखाता है, इसलिए इसको जो डोमिनेंट को हाइड कर रहा है डोमिनेंट एपिस्टेटिस कहलाता है। केवल उसी कंडीशन में बी अपना कलर दे पाता है जब दोनों आई यहाँ पर रिसेसिव कंडीशन में हो। तो ये कंडीशन हमें देखिए यहाँ मिलती है जहाँ पर दोनों आई यहाँ जब हम इनको क्रॉस करेंगे तो आई आई और बी बी आएगा, तो दोनों आई जब रिसेसिव हैं तभी बी अपना फिनोटिपिक इफेक्ट दिखा पाता है जो ब्लैक कलर का होता है। एक भी आई अगर डोमिनेंट होता है तो वो वाइट ही दिखाई देता है। तो और इसके बाद जब दोनों ही रिसेसिव हैं तब हमें ब्राउन कलर यहाँ पर मिलता है। तो इसका अर्थ फिर से यही हुआ कि जो कैपिटल आई है वो जो कैपिटल बी है अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में भी डोमिनेंट है तो भी उसका हेटरोजाइगस आई कलर मास्क कर देता है, ढक देता है, कवर कर देता है, दिखाई नहीं देता है, और हमको यहाँ पर जो कैपिटल आई है वो अकेला ही इतना उसमें डोमिनेंट की कंडीशन है कि वो इस होमोजाइगस बी को मास्क कर देता है और हमको मिलता है वाइट कलर। तो वाइट इसलिए हमें मिलते हैं 12, तीन यहाँ पर मिलते हैं हमें ब्लैक और एक हमें मिलता है ब्राउन। हम इनका टोटल करें तो ये 16 ही आता है, लेकिन रेशो 9:3:3:1 से चेंज होकर के 12:3:1 हो गया है। तो इस तरह से बहुत सारे इंटर एलिलिक इंट्रैक्शंस हमें नेचर में देखने को मिलते हैं, उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यहाँ पे 12:3:1 है तो 12:4 हो सकता है, फिर 9:6:1 हो सकता है, 15:1 हो सकता है, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं और हम फिर समझ सकते हैं। अगर हम ये 15 हम यहाँ पर कर देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कैपिटल आई और कैपिटल बी ये दोनों एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। कैपिटल आई सिंगल हो, कैपिटल बी एक साथ हो तो दोनों एक ही कलर दिखा रहे हैं, उस केस में 15 हो जाएगा और केवल रिसेसिव कंडीशन में ही एक अलग कलर आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी इंट्रैक्शन को जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में है इस तरह से इस बोर्ड को बना करके और उसमें गैमीट्स को एक दूसरे से क्रॉस करके हम ये बोर्ड बना सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये फिर कहलाता है जीन इंट्रैक्शंस, जीन इंट्रैक्शन इन इंटर एलिलिक जीन्स। थैंक यू।